क्या आपने भी ऐसी वीडियो देखी है जहां पे लाइव इंसान का मर्डर किया जाता है और उस वीडियो को मिलियंस लाइक्स मिलते हैं? क्या आपने भी किसी इंसान को इंसान का मांस खाते देखा है कि देखने वाले की रूह कांप जाए, जहां पे स्पेशली बच्चों का मर्डर किया जाता है? हम रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी बहुत। पर क्या आप जानते हो कि आप सिर्फ इंटरनेट का 6% हिस्से का ही यूज करते हो? इस 6% हिस्से से ही अगर गूगल भगवान बन सकता है, तो सोचो कि इंटरनेट का 94% हिस्सा कहाँ है और आप उससे क्या क्या कर सकते हो। इंटरनेट के 3 हिस्से हैं। फर्स्ट, वो जो पब्लिकली अवेलेबल है, जिसका यूज हम रोज करते हैं, जिसे सरफेस वेब कहा जाता है। सेकंड पार्ट को डीप वेब कहा जाता है। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जैसे फेसबुक का अपना ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टाग्राम का अपना ऑर्गेनाइजेशन है और टिकटॉक का ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑन करता है 70%। और बाकी का जो हिस्सा बच जाता है, उसे डार्क वेब कहा जाता है। कहा गया है कि इंसान जितने से जितना गंदा सोच सकता है, उससे भी यहाँ पे गंदा काम होता है। इस पार्ट का इस्तेमाल इलीगल कामों के लिए किया जाता है। जितने भी बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक होते हैं, उनका लिंक डार्क वेब से होता है। सब प्लान डार्क वेब पे ही होते हैं। इलीगल वेपन्स की डीलिंग डार्क वेब पे होती है, ड्रग्स की डीलिंग डार्क वेब पे की जाती है। पैसे देके किसी का भी मर्डर करवाना डार्क वेब के जरिए करवाया जाता है। पुलिस, सीबीआई जितना भी कोशिश कर ले, पर डार्क वेब का डेटा उनके हाथ नहीं लगता। हर कोई यहाँ एक दूसरे के लिए अनोनिमस है, और क्राइम्स को बढ़ाने के लिए, क्राइम्स के पीछे इंटरनेट के इस पार्ट का हाथ है। डार्क वेब ने क्रूरता की सभी हदों को पार कर दिया है। यहाँ लाइव मर्डर किए जाते हैं, और ऐसी वीडियो की कीमत, एक ही वीडियो की कीमत अरबों रुपयों में होती है, और लोग ऐसी वीडियोस को देखने आते हैं। बच्चों के मर्डर किए जाते हैं, और यहाँ तक कि मर्डर करने के बाद उनका मांस खाया जाता है। ऐसी वीडियोस जिनको देख के किसी की भी रूह कांप उठती है। डार्क वेब ने मानव इतिहास में क्रूरता की सभी हदों को पार किया है। डार्क वेब इंटरनेट की ऐसी काली दुनिया है, जहां पे कोई नियम, कोई कानून नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर है तो सिर्फ इंसान की गंदी सोच और क्रूरता। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि कभी भी डार्क वेब को एक्सेस ना करें। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। अगर आपने भी डार्क वेब का नाम सुन रखा है और कोई आपको इनकरेज करता है कि इसे यूज करो, तो इससे बचें।